हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव। और वैसे तो आम हालातों में किसी भी इंसान का जीवन उससे छीन लेना कोई भी परिस्थिति में गलत होता है, लेकिन कानून के अनुसार जब कोई इंसान इंसानियत की सारी हदें पार कर दे तो उसके लिए अक्सर सबसे उचित सजा मौत ही मानी जाती है। सजा ए मौत यानी कि कैपिटल पनिशमेंट वो खौफनाक कानूनी बयां है जिसे सुनते ही किसी हैवानियत से भरे कैदी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यही एक ऐसी सजा भी है जो एक्चुअली इंसानी सभ्यता में पुराने काल से चली आ रही है। कैदियों को सजा के रूप में बुरी तरह से तड़पाया जाता और अंत में उन्हें उनके गुनाहों के लिए मौत ही नसीब होती। इसके पीछे की वजह साफ थी, नागरिकों में डर और खौफ पैदा करना ताकि वो कोई भी गुनाह करने से पहले 10 बार सोचे। अब वो अलग बात है कि आज के रिसर्चेस कुछ और ही बताते हैं, क्योंकि 88% क्रिमिनोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि सजाए मौत असल में क्राइम को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता, क्योंकि एक क्रिमिनल का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वो पकड़े जाने के पॉसिबिलिटी को कभी सोचता ही नहीं है। उसके जिंदगी के चॉइसेस उसे वो क्राइम करने में इतना कॉन्फिडेंट फील कराते हैं कि पकड़ा जाना तो उसके डिक्शनरी में होता ही नहीं। लेकिन फिर भी पॉलिटिशियन से सजा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये आम जनता के सामने और वोट बैंक के सामने सख्त कार्रवाई लगती है क्राइम के खिलाफ, है ना। एक्सपर्ट्स के कहने में 3 बिल्कुल ही सिंपल चीजें हैं जो क्राइम को कई गुना कम करने में ज्यादा असरदार है, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने कहा कि हालांकि एक इंसान की जान लेना मॉरली गलत होता है, लेकिन कभी कभी कानून के नजरों में जान लेना ही क्रिमिनल के किए कर्मों के लिए सबसे सही सजा होती है। हाँ, हम जानते हैं, एटलीस्ट वोट बैंक के सामने। आज डेमोक्रेसी का युग है जिसमें आते हैं हमारे ह्यूमन राइट्स। किसी की भावनाओं को कोई भी ठेस ना पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो कैसे सजा देते वक्त कानून के अधिकारी अपनी इंसानियत को भी कायम रख पाए। इतिहास की किताबों मृत्युदंड देने के कई घिनौने तरीके दर्ज है, जिनमें से बहुत तरीके आज भी अपनाए जाते हैं। सर धड़ से अलग करना सऊदी अरेबिया, यमन और कतार में आज भी लागू है। फायरिंग स्क्वाड इराक, इंडोनेशिया और यूएई में, इलेक्ट्रिक चेयर यूएसए में, और हैंगिंग ऑलमोस्ट दुनिया भर में, जिसमें आज की तारीख में बेलारूस नाम के देश को छोड़कर सभी देशों से मृत्युदंड को हटा दिया गया है। लेकिन दूसरे देशों में भी पिछले कुछ सालों से सजाए मौत को थोड़ा कम इमोरल और ज्यादा इंसानियत पर आधारित बनाने के लिए एक नई तकनीक को लाया गया है, जिसे कहते हैं लीथल इंजेक्शन। लीथल इंजेक्शन लेटेस्ट एग्जीक्यूशन तकनीक है और एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माना गया है कि मुजरिम को मरते वक्त जरा सा भी तकलीफ नहीं होता, बिल्कुल जैसे वो एक गहरी नींद में ही चला जाता है और कभी वापस नहीं उठता। इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि अगर इंसान की जान लेना किसी भी कारण से जरूरी है तो कम से कम इंसानियत के नाते उसकी तकलीफ कम करना कानून का फर्ज बनता है, डेमोक्रेसी का जो जमाना है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये लीथल इंजेक्शन असल में क्या है और काम कैसे करता है, और मुजरिमों को मौत के घाट कैसे उतारता है। लीथल इंजेक्शन मृत्युदंड में मुजरिम के खून में आईवी यानी इंट्रावीनल इंजेक्शंस के द्वारा ऐसे ड्रग्स इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे कि मुजरिम की इंस्टेंट और पेनलेस मौत होती है। इस प्रक्रिया से मुजरिम को इंजेक्शन देने के समय और उसकी धड़कन थमने के बीच की अवधि लगभग सिर्फ 5 से 10 मिनट तक की ही होती है। एक मुजरिम को मृत्युदंड देने का डेट जब पक्का हो जाता है तो उसकी मौत के पहले के 24 घंटे उस मुजरिम की हर आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। उन 24 घंटों में उसके परिवार वाले और कुछ करीब के दोस्त उसे मिलने आते हैं, उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए जाते हैं और उसके आखिरी डिनर में उसके पसंद के डिशेस खिलाई जाती है। ये सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद उसे एग्जीक्यूशन रूम में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स के अलावा उसके परिवार वाले, विक्टिम के परिवार वाले, जेल का वार्डन और कुछ गार्ड्स होते हैं। जहां पुराने जमाने के मृत्युदंड भारी सभा में हजारों लोगों के सामने दिए जाते थे, वही आज बस कुछ चंद लोग ही सजा के गवाह होते हैं, ताकि उस मरने वाले इंसान का आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। तो उसको एक बिस्तर पर लिटा दिया जाता है और रस्सी या चेन से उस बिस्तर पे कस के बांध दिया जाता है। इसके बाद उसके दोनों बाहों में एक आईवी डाली जाती है। इन्हीं आईवी से एग्जीक्यूशनर मुजरिम के खून में वो ड्रग्स डालते हैं जिससे उसकी मौत हो जाएगी। अब आते हैं लीथल इंजेक्शंस के एक्चुअल प्रक्रिया पे। सबसे पहले मुजरिम के खून में आईवी द्वारा एक सलाइन सॉल्यूशन यानी नमक और पानी का घोल इंजेक्ट किया जाता है। ऐसा इंजेक्ट करने वाली असल दवा को डाइल्यूट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद सबसे पहला ड्रग जो कि मुजरिम के खून में इंजेक्ट किया जाता है वो है सोडियम थायोपेंटोल, जिसको पेंटोथैल के नाम से भी जाना जाता है। ये ड्रग एक बारबिट्यूरेट है जो कि मेडिकली अप्रूव
अप्रूव्ड मात्रा से ज्यादा मात्रा में इंसान को बेहोश कर देता है। इस ड्रग के इंजेक्ट होने के लगभग 30 सेकंड के अंदर ही इंसान बेहोश हो जाता है और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। इसके बाद एक बार फिर से सलाइन सॉल्यूशन इंजेक्ट किया जाता है और फिर दूसरा केमिकल इंजेक्ट किया जाता है जो है पैंक्यूरोनियम ब्रोमाइड यानी पैव्यूलॉन। पैव्यूलॉन इंसान के पूरे शरीर को पैरालाइज कर देता है और उसके बाद उसके शरीर का कोई भी भाग 1 मिलीमीटर भी नहीं हिल सकता, यहाँ तक कि इंसान के फेफड़े तक पैरालाइज हो जाते हैं जिस कारण इंसान की सांस रुक जाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 1 से 3 मिनट का समय लगता है और फिर एक मुजरिम की सांस रुक जाती है। अब फाइनली एक बार फिर से आईवी में सलाइन सॉल्यूशन को डाला जाता है जिसके बाद डाला जाएगा तीसरा और फाइनल केमिकल। ये आखिरी ड्रग होता है पोटेशियम क्लोराइड जो कि सीधा इंसान के दिल में इंजेक्ट किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड दिल के द्वारा ट्रांसमिट किए जाने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को खत्म कर देता है जिससे कि दिल की धड़कन थमने लगती है और कार्डियक अरेस्ट के कारण 1 मिनट के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। ये फाइनल स्टेप होता है पूरी तरह से निश्चित करने का कि इंसान जो कि एक मुजरिम था पूरी तरह से मर चुका है। इसके बाद इंसान के शरीर को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है या फिर ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 5 से 18 मिनट तक का समय लगता है और यही लीथल इंजेक्शन अब तक की सबसे नई तकनीक है जो कि अब भी कई देशों में लागू नहीं हुई है। 1982 में यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे पहला देश बना जिसने लीथल इंजेक्शन को कैपिटल पनिशमेंट के रूप में सबसे मुख्य तकनीक के रूप में अपनाया। इसके बाद 1997 में चाइना दूसरा देश बन के उभरा और फिर इसी प्रकार ग्वाटीमाला, फिलीपींस, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम ने भी लीथल इंजेक्शन को अपनाया मुख्य मृत्यु दंड के रूप में। हालांकि लीथल इंजेक्शन का मकसद ही है इंसान को एक दर्दनाक और क्रूर मौत ना मारे, लेकिन कोई भी चीज खासकर जिसमें केमिकल्स और ड्रग्स का इस्तेमाल हो कभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं होती। लीथल इंजेक्शन की प्रक्रिया में अगर जरा सा भी चूक हुई तो मुजरिम एक बहुत ही दर्दनाक और कष्टदायक मौत मरता है। 1982 और 2018 के बीच में लगभग 51 ऐसे केसेस रह चुके हैं जिनमें केमिकल्स के शरीर से गलत तरह रिएक्ट करने के वजह जैसे मुजरिमों ने बहुत ही ज्यादा दर्द झेला और जिस प्रक्रिया में आमतौर पे 5 से 10 मिनट लगने चाहिए उसे घंटों लगे हर एक पल बेइंतहा दर्द में, इस हद तक कि वो मुजरिम खुद ही डॉक्टर से गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी की नहीं बल्कि मौत की भीख मांग रहा था। और इनमें से सबसे ज्यादा और सबसे दर्दनाक केस 2014 में हुआ था जिसमें सबसे प्रसिद्ध एग्जीक्यूशन था जोसेफ रुडोल्फ वुड 3 का, जिनकी लीथल इंजेक्शन की प्रक्रिया 2 घंटे से ज्यादा तक चली थी और उन 2 घंटों में हर पल वुड एक मछली के जैसे छटपटाते रहा। उस साल यूएस में ये 4th ऐसा केस था जो इतना खराब हुआ था जिसने इंसानों द्वारा बनाए गए इस नए कानून पर ही प्रश्न खड़े कर दिए। वैसे एक क्रिमिनोलॉजिस्ट का मानना है कि सजा की सख्ती बढ़ाना जुर्म को रोकने का सबसे असरदार तरीका नहीं है और उनके पास इसे प्रूफ करने के स्टैटिस्टिक्स भी है। इसकी जगह सजा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए इस बात का ध्यान रखना जुर्म को रोकने में कई गुना ज्यादा असरदार है। अगर जुर्म करने वाले व्यक्ति को पता है कि अधिकतर जुर्म करने वाले मुजरिम कानून द्वारा पकड़े ही जाते हैं तो ज्यादा चांस है कि वो जुर्म से पहले 10 बार सोचेगा। कानून को ठीक से और तेजी से लागू करना सबसे बड़ा डर है एक मुजरिम का। और इंडिया में ही देख लीजिए 1995 से लेकर आज तक कितने मृत्युदंड दिए गए हैं और कितने लोगों को असल में मृत्युदंड दिया गया है, सिर्फ 4। एक 1995 के रिसर्च में मिनियापोलिस शहर के बिजी एरियाज में पुलिस की संख्या कुछ मात्रा में बढ़ा दी गई थी और उस साल उसी एरिया में जुर्म 10 से 13% कम रिपोर्ट हुआ क्योंकि जुर्म करने वालों की पकड़े जाने की संभावना ज्यादा थी। इवन दो पुलिस ने कुछ एक्स्ट्रा किया भी नहीं, इसके अलावा सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों की जुर्म ना करने के खिलाफ शिक्षा देना दूसरा सबसे बड़ा योगदान होगा क्योंकि अब जुर्म करने वाले को अच्छे से जुर्म और सजाओं की समझ भी होगी जो उन्हें अक्सर नहीं होती है। उन्हें पता होगा कि वो जुर्म करके पकड़े ही जाएंगे और इसीलिए उन्हें जुर्म नहीं करना चाहिए और उसके जगह क्या करना सही है ये सब की भी सीख मिलेगी। और इन सब के अलावा बहुत से जुर्म करने वाले मानसिक तौर पर भी बीमार होते हैं तो उनके लिए फ्री हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना ताकि वो खुद अपना सही इलाज कराने सही जगह पर पहुंच जाए काफी इम्पोर्टेंट है। ये सभी तरकीबें ज्यादा असरदार है जुर्म को कम करने में सजा
की सख्ती को बढ़ाने के विपरीत। बट फ्रेंड्स, आखिर पॉलिटिशियन को ये करके क्या फायदा होगा? एक मुजरिम को क्रूर सजा दिलाकर आप लोगों के इमोशंस को राहत दिलाते हो, जिससे आपको वोट्स मिलते हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम को तो सॉल्व ही नहीं कर रहे। आए दिन ऐसे नए मुजरिम आते रहेंगे और पॉलिटिशियंस को वोट्स मिलते रहेंगे और लोगों को लगता रहेगा कि उन्हें वास्तव में इंसाफ मिला, लेकिन क्या सच में? सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।